चाचा आपके चाचा हैं पशुपति पारस, सही किया उन्होंने? नहीं, सही नहीं किया, गलत किया। आप खुश भी नजर आ रही हैं और आंखों में आपके पानी भी नजर आ रहा है, ये क्यों? खुशी का आंसू है। भाई आया मेरे घर, लेकिन भाई को आपने सिर्फ दही खिलाकर ही विदाई किया। आया ही नहीं ऊपर, तो इसी वजह की दीदी लेट हो रहा है, जाना है। दीदी भी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बुला रहे हैं उनको अपने पास कि आ जाइए। चाहती हैं कि तेजस्वी चिराग पासवान जो है वो है। चिराग तेजस्वी दोनों छोटे भाई हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आज का दिन बिहार की सियासत के लिए काफ़ी अहम रहा। एक तरफ आरजेडी ने स्थापना दिवस मनाया, जिसमें कि खुद लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान अपनी यात्रा यानी कि आशीर्वाद यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। जब उनका काफिला पटना से जा रहा था हाजीपुर, इसी दौरान चिराग पासवान अपनी बड़ी बहन आशा पासवान के यहाँ रुकते हैं। जबकि राजनीतिक रिश्ते भाई बहन के बीच में अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी चिराग पासवान के घर आते हैं, गले लगाते हैं और बेहद भावुक अंदाज में हालचाल भी पूछते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए चिराग पासवान की बड़ी बहन आशा पासवान जी हैं। राजनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कहा जाता है कि भाई बहन में बनता नहीं है, लेकिन आज चिराग आपके घर आए, गले लगाया, भावुक थे, क्या कहें? आपको वो लोग उसके साथ हैं, हम लोग चिराग के साथ हैं। साथ है। कहा जाता है कि रिश्ते अच्छे नहीं है, चाहे आपके पति हो अनिल साधु। खून के रिश्ते तो खून खूने हैं, उनके रिश्ते तो अच्छे हैं। उम्मीद था कि चिराग आएंगे आपके घर? हाँ, था उम्मीद, रास्ता ही में पड़ता है तो। गले भी लगाया, रोए रहे भी थे चिराग, क्या कहा चिराग ने आपसे? आशीर्वाद दिए मंगल कामना के साथ, जाओ सर आशीर्वाद है मेरा तुम्हारे पास। और क्या कुछ कहा चिराग पासवान? उसको जल्दी था जाना, 5-10 मिनट रुक के। जिस तरीके से आपके चाचा पशुपति पारस ने चिराग के साथ जो किया, पार्टी टूट गई, फिर चिराग अलग थलग पड़ गए, पार्टी के जो सांसद थे सब पशुपति पारस के साथ चले गए, इसमें आप सही किसे मानती हैं? कौन सही है, कौन गलत है? हम तो चिराग के साथ हैं। चिराग के साथ हैं, भाई के साथ हैं। भाई बहन है। चिराग यात्रा पे निकल गए आपके यहाँ से मिलने के? हाँ, मिलके निकल गए। और आपके घर के बाहर तस्वीर भी थी रामविलास पासवान, उनका जन्मदिन है, फूल माला चढ़ाए सबको, हम लोग पूरे परिवार, चिराग भी चढ़ाए। एक तस्वीर मुझे दिख रही थी जिसमें लग रहा था कि दही खिलाकर शायद आपने विदा किया। दही खिलाए, दही शुभ कामना के लिए, चाहती हैं कि चिराग सफल हो। हाँ, सफल हो। ये आप बता नहीं रहे, चाचा आपके चाचा हैं पशुपति पारस, सही किया उन्होंने? नहीं, सही नहीं किया, गलत किया। अभी नहीं, अभी अकेला छोड़ दिए इसको, अकेला भी अभी पापा तो नहीं थे, पापा जी सबके साथ लेके चले इतना दिन तक, तो साथ लेके चलना चाहिए था चिराग को, अभी सब घर में वो बड़े हैं, सबको साथ लेके चलते। और क्या उन्होंने कहा कि जब वो यात्रा करके लौटेंगे तो दोबारा भी आएंगे आपके पास? बोले तो हैं कि आएंगे, अब देखिए आते हैं, भीड़ भाड़ है, आएंगे, बोले कि आएंगे। आप खुश भी नजर आ रही हैं और आंखों में आपके पानी भी नजर आ रहा है, ये क्यों? खुशी का आंसू है। भाई आया मेरे घर, लेकिन भाई को आपने सिर्फ दही खिलाकर ही विदाई किया। आया ही नहीं ऊपर, तो इसी वजह की दीदी लेट हो रहा है, जाना है। दीदी भी बोला चिराग के लिए वक्त काफी बुरा चल रहा है, परिवार के लोग जो है उनका साथ छोड़ गए, चाचा साथ हो गए, बुरा नहीं है, ठीक है। अब आप साथ हैं, बुरा नहीं होगा? नहीं होगा बुरा। प्रिंस भाई उनके वो भी छोड़ के चले गए, चाचा भी छोड़ के चले गए, अच्छा नहीं किया छोड़ के चले गए। पापा
इतना जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, अभी वो बड़े थे, सबको लेकर के चलते, सबको साथ लेकर चलते। पापा की याद आ रही है आज? हाँ, आज उनका ऐसे भी तो वो तो दिल में है ही, याद तो एनी टाइम आते हैं। कामना करेंगे कि चिराग सफल हो? हाँ, कामना करते हैं कि सफल हो चिराग। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या चाहते हैं कि देखिए तेजस्वी यादव भी बुला रहे हैं उनको अपने पास कि आ जाइए, चाहती हैं कि तेजस्वी चिराग पासवान जो है वो है। चिराग तेजस्वी दोनों छोटे भाई है, चाहते हैं कि दोनों भाई साथ हाँ, दोनों भाई साथ रहे, एक साथ मिल के काम करे बिहार में। चलिए, ये रामविलास पासवान की बेटी और चिराग पासवान की बड़ी दीदी है। वैसे तो राजनीतिक रिश्ते चाहे कहें पर्सनल हो या राजनीतिक, दोनों रिश्ते चिराग पासवान के इनके साथ बढ़िया नहीं हैं, लेकिन चिराग आज इनके घर आए, दीदी कहा, इमोशनल हुए, गले लगाया और भावुक अंदाज में कहा कि अभी तो जल्दी में है, जब यात्रा कर लौटेंगे तो खूब देर आपके साथ बैठेंगे और बतियाएंगे, यही कहा ना? चलिए, आज भावुक भी नज़र आ रही हैं, आप हंस भी रही हैं, खुशी के आंसू हैं? खुशी के आंसू हैं। बड़ी दीदी हैं चिराग, आज चिराग इनके घर आए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।